देखिए कैसे बाढ़ में बह गया दरभंगा का यह हेल्थ सेंटर। चारों ओर दिख रहा है बस पानी ही पानी। बिहार के कई इलाके में नदियां उफान पर है, जिसकी वजह से कई जिले में बाढ़ जैसे हालत हो गए हैं। दरभंगा में भी बाढ़ का तांडव देखने को मिला है। जिले के अधिहार गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ में बहते नजर आ रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, गांव में चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। यही नहीं, इस सैलाब से अतिहार गांव में बने सब हेल्थ सेंटर को नुकसान पहुंचा है। गांव में पानी घुसने से लोगों ने ऊंचे स्थानों पर शरण ले ली है। बूढ़ी गंडक के साथ बागमती भी उफान पर, लाखों लोगों का संपर्क भंग। रेलवे ट्रैक किनारे शरण ले रहे हैं लोग। गंडक, बूढ़ी गंडक और बागमती के साथ साथ नेपाल से आने वाली नदियां में उफान से उत्तर बिहार के चंपारण, सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। पूर्वी चंपारण के 6 प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। पश्चिम चंपारण में गंडक से सटे इलाके में बाढ़ ने फिर दस्तक दे दी है। जिले के 3 प्रमुख सड़कों पर तीसरे दिन भी आवागमन ठप रहा। शिवहर में बागमती का सुरक्षा बांध तो मोतिहारी में तिलावे नदी का बांध पानी के दबाव में टूट गया है। इससे गांवों में तेजी से पानी फैल रहा है। समस्तीपुर के 3 प्रखंड में बाढ़ का पानी फैलने लगा। मधुबनी और दरभंगा में नदियां का बढ़ता जलस्तर लोगों को डरा रहा है। चुनाव में बरती गई लापरवाही तो होगी कार्रवाई। चुनाव आयोग, पंचायत चुनाव 10 चरणों में कराया जाएगा। मतगणना प्रत्येक चरण के चुनाव के दूसरे दिन कराई जाएगी। 4 पदों का चुनाव ईवीएम से कराया जाएगा तथा पंच व सरपंच का चुनाव बैलेट पेपर से कराया जाएगा। उपरोक्त बातें राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर दीपक प्रसाद ने कही। वे शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी पंचायत आम निर्वाचन 2021 की तैयारी को लेकर प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास उपयुक्त तन्ने सुल्तानिया के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे। कहा, दरभंगा जिला को ईवीएम प्राप्त करने हेतु राजस्थान से टैग किया जाएगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि पंचायत निर्वाचन में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है ताकि इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो सके। हफ्ते भर विस्तारित हो सकती है लॉकडाउन की अवधि, आयुक्त ने दिया सुझाव। कोरोना टेस्टिंग की संख्या में कहीं भी कमी नहीं होनी चाहिए। जहां कोरोना के मरीज मिल रहे हैं वहां आसपास के सभी लोगों को टेस्टिंग कराएं। शहरों में संक्रमण की संभावना ज्यादा होती है, इसलिए प्राथमिकता के आधार पर शहरी क्षेत्र के सभी लोगों का टीकाकरण किया जाए। उपरोक्त बातें बिहार के मुख्य सचिव त्रिपुरारी शरण ने कही। वे शनिवार को कोरोना महामारी संक्रमण के रोकथाम के लिए लगाए गए लॉकडाउन की अवधि, विस्तार एवं प्रतिबंधों में छूट को लेकर प्रमंडलीय आयुक्त मनीष कुमार व प्रभारी जिलाधिकारी सह उप विकास आयुक्त तन्ने सुल्तानिया के साथ वर्चुअल बैठक कर रहे थे। बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने बारी बारी से सभी पदाधिकारियों से लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने तथा वर्तमान प्रतिबंधों में छूट देने वाले को लेकर फीडबैक लिया। बैठक में जुड़े अधिकतर पदाधिकारी ने लॉकडाउन की अवधि 1 सप्ताह से 10 दिन तक विस्तारित करने की सुझाव दी। दुष्कर्म की कोशिश के केस में अब दलालों पर कसा जाएगा शिकंजा। दरभंगा शहर के बेता में गर्भपात कराने आई एक महिला के साथ कथित दुष्कर्म की कोशिश में अब पुलिस शिकंजा कसने की तैयारी शुरू कर दी है। गया और पटना में पीड़िता के पता का सत्यापन नहीं होने पर महिला थाने की पुलिस ने दलालों को चिन्हित किया है। पीड़िता और उसकी मां के नंबर के निकालने गए CDR में कई दलालों के मोबाइल नंबर मिले। वरीय अधिकारी के आदेश पर अन्य 4 नंबरों का भी CDR निकाला जा रहा है। इसमें दलाल मनोज शाह, राकेश शाह और देव नारायण और उसकी पत्नी का नंबर बताया जा रहा है। इन नंबरों का CDR आने से पता चलेगा कि इस रैकेट में अन्य कौन कौन लोग शामिल हैं। वीडियो को लाइक कर दे, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है ताकि हम आपके लिए न्यूज वीडियो लाते रहे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सुबह सुबह सबसे पहले न्यूज आप देख सके। लगातार बारिश से नदियां उफान पर, कई क्षेत्रों में मंडराने लगा बाढ़ का खतरा। दरभंगा, मानसून की दस्तक के साथ पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के कारण जिले होकर बहने वाली नदियां उफान पर है। बागमत, कमला और अधवारा समूह की नदियां में पानी लबालब है। बाढ़ का पानी कई प्रखंडों में फैलना शुरू हो गया है। बाढ़ की दस्तक के कारण तटबंध और नदी के किनारे रहने वाले कई परिवार ऊंचे स्थानों का रुख करने लगे हैं। नदियों के जलस्तर में वृद्धि के साथ उनकी रातों की नींद उड़ गई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर बाढ़ से निपटने की हर संभावना कोशिश जारी है। जिले में NDRF और SDRF की टीम पहुंच चुकी है।
देश के खिलाफ साजिश, बंका मदरसा ब्लास्ट का राज भी खोलेंगे दरभंगा ब्लास्ट के साजिश करता। दरभंगा रेलवे स्टेशन केमिकल ब्लास्ट के पहले बिहार के बंका जिले के एक मदरसा में हुए ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए थे। आपको याद दिला दे कि इस ब्लास्ट में पूरा का पूरा मदरसा ही ढह गया था। बिहार पुलिस ने पहले सिलेंडर ब्लास्ट, उसके बाद देसी बम ब्लास्ट बताया था, लेकिन बिहार पुलिस यह नहीं बता सकी कि धमाके के वक्त मदरसा में मौजूद 10 से 12 लोग आखिर कहां के थे और कहां फरार हो गए। जिस चमकती नई कार में वे लोग फरार हुए थे, वे कौन थे और कहां से आए थे? आपको बता दें कि इस धमाके में मदरसा से मौलवी की मौत हो गई और उसकी लाश मदरसे से थोड़ी दूर पर फेंकी हुई मिली। सूत्र बताते हैं कि NIA और ADS की टीम बंका मदरसा ब्लास्ट मामले में भी रिमांड पर लिए गए चारों आतंकियों से पूछताछ करेगी। दरभंगा जंक्शन से टिकट काउंटर पर लाइन में लगी दलाली करने वाले 3 गिरफ्तार, टिकट लेने में मशक्कत। रेलवे सुरक्षा बल के जवान ने रविवार को दरभंगा जंक्शन के टिकट काउंटर पर दलाली करने वाले 3 लोगों को गिरफ्तार किया। तीनों से सघन पूछताछ की जा रही है। बताया गया कि पहले एक पकड़ा गया, बाद में 2 और दबोचे गए। गिरफ्तार लोगों की निशानदेही पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। बताया गया है कि कोरोना संक्रमण काल में पिछले साल से ही दरभंगा जंक्शन से काउंटर लेने के लिए नंबर सिस्टम लागू किए गए हैं। इससे पहले तहत टिकट कटवाने वाले यात्रियों को एक दिन पूर्व टिकट काउंटर पर तैनात RPF जवान को टिकट बुकिंग संबंधित जानकारी शेयर करनी पड़ती है। इस जानकारी के आधार पर दर्ज की जाने वाली क्रम संख्या के आधार पर यात्रियों को लाइन में लगाया जाता है, लेकिन इसमें भी दलालों का खेल शुरू हो गया है। बिहार में PRO भर्ती के लिए तुरंत करें आवेदन, 5 जुलाई लास्ट डेट। बिहार जिला PRO भर्ती 2021 के लिए कल यानी 5 जुलाई को आवेदन का आखिरी दिन है। PRO बनने के इच्छुक युवा बिहार लोक सेवा आयोग की वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने पटना हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए न्यूनतम और अधिकतम आयु की सीमा के तिथियों के पुनः निर्धारित करने के लिए फिर से 10 जून को PRO भर्ती 2021 के लिए एप्लीकेशन विंडो 5 जुलाई तक के लिए दोबारा खोली थी। NCC भी पाठ्यक्रम का ही हिस्सा, कर्नल अजय। NCC के 8 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल अजय कुमार सिंह MLSM कॉलेज में निरीक्षण करने पहुंचे। प्रधानाचार्य प्रोफेसर प्रेम मोहन मिश्र ने कर्नल सिंह का अभिनंदन मिथिला की परंपरा के अनुसार पाक चादर और फूल की माला से किया। कर्नल अजय ने कहा कि मेरा उद्देश्य इस क्षेत्र के छात्रों में शैक्षणिक और अनुशासनिक सुधार लाना है। वर्तमान समय में NCC भी पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों को NCC की ऐच्छिक विषय के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया। कर्नल सिंह ने UGC द्वारा जारी पत्र भी प्रधानाचार्य को हस्तगत कराया। प्रधानाचार्य ने कहा कि विश्वविद्यालय से अनुमति मिलने पर इसे शुरू किया जा सकता है। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दरभंगा बाजार।